नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पाकिस्तान ने पुंछ में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आधी रात को भारतीय सैन्य चौकियों पर बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना ने चौकियों पर भारी मोर्टार दागे और स्वचालित एवं छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि हमारे सैन्य बल उचित जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, दोनों ओर से गोलीबारी अब भी जारी है। प्रियंका योशिकावा बनी मिस जापान। भारत से ताल्लुक रखने वाली और हाथियों को प्रशिक्षण देने का लाइसेंस रखने वाली प्रियंका योशिकावा को मिस जापान का ताज पहनाया गया। इससे जापान में नस्ली समानता की एक नई बहस छिड़ गई है। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा, मिस यूनिवर्स जापान को पूरी तरह से जापानी होना चाहिए न कि आधा। इस शब्द का इस्तेमाल मिश्रित नस्ल को लेकर किया जाता है। योशिकावा का जन्म टोक्यो में हुआ था। उनके पिता भारतीय हैं जबकि मां जापानी हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने ओबामा को दी गाली, द्विपक्षीय वार्ता रद्द। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मां की गाली दी। इस पर ओबामा ने डुटर्टे के साथ मंगलवार को प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता नेट प्राइस ने बताया कि राष्ट्रपति ओबामा फिलीपींस के राष्ट्रपति डुटर्टे के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। डुटर्टे ने ओबामा को मां की गाली देते हुए कहा कि ओबामा जब उनसे लाओस में मिले तो मानवाधिकार के मुद्दे पर लेक्चर न दें। डुटर्टे ने कहा कि आपको सम्मान करना होगा, केवल सवाल पूछने और बयान देने से काम नहीं होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा।